हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 जून 2020 का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2030 लागू किया जो होगा। इसका आंसर होगा, सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत सहकारी बैंकों को लाना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या डैश द्वारा किया गया। तो ये किया गया श्रीपाद येसो नाइक द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने डैश में एक उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पे किया है। ये किया है फ्रेंड्स उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के नवीनतम संस्करण का शीर्षक ए, क्राइसिस लाइक नो अदर एंड अनस्टेड आउटलुक डैश द्वारा जारी किया गया। तो ये किया गया है IMF के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, MSME मंत्री नितिन गडकरी ने CGSSD का शुभारंभ किया। CGSSD का अर्थ है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेबिट। हमारा अगला प्रश्न है, COVID-19 के कारण दुनिया भर के भारतीयों का प्रत्यावर्तन के लिए कौन सा मिशन चला हुआ है। तो ये चला हुआ है वंदे भारत मिशन। इस पेंडेमिक की वजह से जो विदेशों में फंसे लोग हैं उसके लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया है, जिससे उनका देश में प्रत्यावर्तन या लाया जा सके। अगला प्रश्न है, युवा पे ऐप डैश द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल वॉलेट समाधान है। तो ये शुरू किया है यस बैंक के द्वारा। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक कौन हैं। तो भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्र। इस तरह के क्वेश्चन TGT और क्लर्क में पूछे जाते हैं। नासा के मुख्यालय भवन का नाम डैश पर रखा जाएगा, मैरी जैक्सन के नाम पर ये रखा जाएगा जो नासा का मुख्यालय होगा। हमारा अगला प्रश्न है, असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डैश हैं। तो ये हैं जस्टिस BP कटेकी। आ सकता है क्वेश्चन HAS में, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्री के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कब तक पंचायतों के चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो ये 23 जनवरी 2021 तक इन चुनावों को कराना अनिवार्य है, स्थिति साफ कर दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है 2000 रुपये देने का प्रावधान। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत कामगारों को दो अविवाहित बच्चों के विवाह के लिए कितनी सहयोग राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये करवाई जा रही है 51,00,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के उत्थान के लिए चालू वित्त वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। तो ये की जा रही है फ्रेंड्स 20 करोड़ रुपये। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इनको पढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, HP फॉरेंसिक सर्विस के किस अधिकारी को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है डॉक्टर अरुण शर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सभी कोऑपरेटिव बैंकों या सहकारी बैंकों को किसके अंतर्गत लाया जाएगा। तो ये लाया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई महापरवाना योजना
के लिए एक प्रयास है। तो ये प्रयास है राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। पेंडेमिक की वजह से काफ़ी कुछ स्थिति ऊपर नीचे हो गई है महाराष्ट्र में, तो इन्होंने एक योजना शुरू की है ताकि फिर से राज्य में जो व्यापारी हैं बाहर के मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज के, वो यहाँ पर निवेश कर सके। इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये एक महापरवाना या महापोर्टल योजना शुरू की है, जिसके तहत तकरीबन 48,000 करोड़ या 50,000 करोड़ तक अगर कोई निवेश करेगा तो उसको विभिन्न जो नियम होते हैं कंपनी स्थापित करने के, छूट दी जाएगी और उसका जो काम है वो 1 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में कौन सा देश पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है? ये बना रहा है रूस। रूस अमेरिका से आगे निकलकर 2023 तक पर्यटक जो होते हैं उनको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जो सर्च अभी कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, स्विस नेशनल बैंक NASSNB द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़े 2019 के अनुसार भारत डैश स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है 77वें स्थान पर, 70वें स्थान पर। इसके अनुसार जो स्विस बैंक ने एक जो रिपोर्ट जारी की है 2019 के आंकड़ों के अनुसार, तो इसमें जो भारत है, जो भारत का जो पैसा स्विस बैंक में जमा है वो है 0.6% जमा है पूरे दुनिया में। सभी जो दुनिया में जितने भी देश हैं सभी का, काफ़ी देशों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, तो उसमें से जो भारत का हिस्सा है वो 0.6% है। तो अब ये खिसक कर पहले ये जो था ये 74 नंबर पे था भारत, अब ये आगे पीछे किसकी तरफ खिसक रहा है, ये अब 77 स्थान पे पहुंच गया है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में हिमाचल का कौन सा जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा? जो टीबी है उसके उन्मूलन का जो कार्यक्रम चला हुआ है उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए भारत जो हमीरपुर जिला है वो दूसरे स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत 2 बच्चों के पालन पोषण पर कितने रुपए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी 7,000 रुपये प्रति बच्चा और प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितने रुपए सहायता प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? तो ये करवाई जा रही है 51,000 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को पंचायती राज से संबंधित काफ़ी सारे अवार्ड मिल रहे हैं आजकल। हमारा अगला प्रश्न है, शक्ति बटन ऐप किस राज्य द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक स्वच्छता की मुहिम को सार्थक बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिला में एक दिन स्कूल के नाम एक दिन पंचायत के नाम स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सिरमौर के द्वारा। फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन HKS की प्रीलिम परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश भर में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में हिमाचल किन 2 राज्यों के साथ देश भर में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है? तो ये गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। स्वतंत्र पाकिस्तान में भगवान कृष्ण को समर्पित पहले हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला?
और यहाँ बाहर है, तो भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय खुला है वो खुला है अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में। हमारा ये फ्रेंड्स हमारी आज के करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न था। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे लिख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।